नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। जब हम पेंटिकल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, मनी की, स्टेबिलिटी की। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको हर वक्त जो है आपकी लाइफ को सुलभ बनाती है, उसको आसान बनाती है। इट्स एनर्जी ऑफ द मनी। और अगर आपके पास मनी की एनर्जी है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। If an intelligent person knows how to use the money, then it's a blessing for him. So, pentacles जो है वो बात करता है money की, security की, stability की। आज जिस card के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है nine of pentacles। So, इस card में जाने से पहले इसके keywords के बारे में बात करेंगे। इसके keywords है abundance, luxury, self-sufficiency, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एंड हम ये देखते हैं कि इसका जो नंबर है वो है नाइन। नाइन को थोड़ा समझेंगे। नाइन जो है इट्स अ कंप्लीशन ऑफ साइकिल। देखा जाए तो देर आर लाइक अनलिमिटेड नंबर्स, बट जो बेसिक नंबर्स हैं देर आर ओनली नाइन नंबर्स। जीरो को हम इसलिए काउंट नहीं करते बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल। इट्स एक्चुअली इट्स लाइक इट्स अ जीरो। इट्स एवरीथिंग बट एट द सेम टाइम इट्स नथिंग। बोथ द थिंग्स आर टुगेदर। So it starts with 1 and it goes till 9. From 1 the process starts and it ends in 9. And after 9 the 1 again comes into play. So that's the whole secret of numerology also. So 9 जब भी हमारे को cards में आ रहा है वो ये बता रहा है कि like a cycle is ending and a new cycle is about to begin. This is what it is pointing towards and it's about giving yourself a new start. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स में इसके पिक्चोरियल में अगर हम जाएंगे तो जो एक वुमन फिगर दिखाई गई है एंड शी इज़ होल्डिंग अ फाल्कन इन हर हैंड और शी इज़ इन अ रिच गार्डन विद ऑल द ग्रेप्स एंड दीज नाइन पेंटिकल्स अराउंड। इसके बैक साइड में हम देखते हैं कि देयर इज उसका घर पीछे दिखता है and she comes from a rich background, that's what is shown. Or most of the people, you know, like most of the tarot readers also, they miss that there is also a snail in the picture. Main aapko ye zoom karke zarur dikhaunga. So ab iske pictorial ke sath sath jo hai iske symbolical aur iske meaning mein jayenge. To sabse pehle hum kya dekhte hain ki she is someone who enjoys being in the nature. She is in the garden and the garden is producing great harvest of grapes and pentacles. And an environment of abundance is shown. So, agar aap iske environment ko dekhenge, it's all abundance, it's all very positive. Things are very beautiful at the moment and she's just enjoying the nature. She's just enjoying the fruits of nature which has been given to her. उनके ड्रेस को अगर हम देखेंगे तो इट्स लाइक द साइन ऑफ द वुमन साइन ऑफ फर्टिलिटी विच इज शोन, विच बेसिकली मीन्स लाइक शी इज़ ऑल फर्टाइल एंड शी इज़ लाइक शी इज़ ब्लेस्ड बाय नेचर। एंड जो अब इसके थोड़ा सा गहरे में जाएंगे तो आप देखेंगे देर इज़ अ फाल्कन ऑन हर हैंड विच शी हैज़ टेम्ड एंड यू कैन सी लाइक शी इज़ वेयरिंग अ ग्लव ऑल्सो। एंड सेकेंड देर इज़ ऑल्सो अ स्नेल। अब इसके अंदर जो है कुछ मल्टीपल मीनिंग्स हैं जो कि जिसके मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लाइक दिस फाल्कन शी हैज़ ट्रेंड एंड फाल्कन इज समवन इज अ वाइल्ड बर्ड। फाल्कन इज समवन यू नो हु कंट्रोल्स द स्काई, हु गिव्स एंड सेंड्स मैसेजेस यू नो ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है एक जो शो किया गया है वो ये कि दैट फाल्कन ब्रिंग्स हर मैसेजेस फ्रॉम द नेचर और एंड हर मैसेजेस आर आल्सो सेंड बैक। सो शी इज़ इन टच विद द स्काई, शी इज़ इन टच विद द इंटेलेक्चुअल। बिकॉज हमने क्योंकि फाल्कन जो है उसका जो एलिमेंट है वो एयर है और जो एयर जो एलिमेंट है वो सॉर्ड का भी एलिमेंट है। सो समवेयर शी हैज़ अ सॉर्ड एलिमेंट इन साइड ऑफ हर, लेकिन वो सॉर्ड एलिमेंट जो है इतना वो हम पिक्चर में नहीं देखते। विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइन दैट हर इंटेलिजेंस
that her intellectual has become part of her blood and bones. So, which is a very beautiful sign, क्योंकि अब जब आप स्वॉर्ड का जो है नामो निशान ना देखें और आप उसकी क्वालिटीज देखें कार्ड में, दैट मीन्स समवेयर दैट अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेज हैज हैपेंड. अब कुछ भी छुपता नहीं है. नाउ इट हैज़ बिकम प्योर इंटेलिजेंस. द स्वॉर्ड हैज़ बिकम प्योर इंटेलिजेंस. दैट इज वॉट इज शोन इन द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. एंड सेकेंडली, वाई द स्नेल? स्नेल सिंपली सिग्निफाई, you know, like she's also in touch with the ground. Snail is someone, you know, who goes into the ground, who is also in touch with the underworld. Jo dharti ke niche jo hai, snail wahan pe ghus sakta hai. So it is also shown like she's also in touch with the earth. And snail is also connected to the seas. So it also means that deep inside she is connected to the earth and she is also connected to the seas. और जब हम sea की बात करते हैं, वहाँ पर हम vastness की बात करते हैं, वहाँ हम बात करते हैं एक प्योर नेचर की, एक vastness की, एक expansion की. So somewhere it's a very beautiful card, expansion of the sky and the sea together. That is what is shown in nine of the pentacles. और इसमें एक और चीज़ जो इसमें सिग्निफाई करती है वो ये कि दैट दिस वुमन, दिस फिगर हैज़ एक्सेप्टेड बोथ हर एस्पेक्ट्स, द हायर एस्पेक्ट एंड हर लोअर एस्पेक्ट. लाइक देर आर सेवन चक्रास एंड देर आर पीपल हु आर ओनली इन फेवर ऑफ लाइक चक्रास बिलो देयर हार्ट एंड देर आर पीपल हु आर इन फेवर ऑफ लाइक चक्रास बिलो अबव देयर हार्ट. But she is someone who is welcoming all the chakras. She is in touch with the sky. She is also in touch with the earth and the seas. So, a very beautiful combination is shown here. There is intelligence, grace and serenity to her demeanor, an air of peace, a feeling of appreciation and joyfulness. That's what we see in the Nine of Pentacles. Somewhere, there is a kind of a rich, kind of a very luxury kind of an environment is shown. Like this person is not someone who is going to struggle. Or aisa kehna chahiye, like this person has actually gone through a struggle and she has come to a point where now she can just enjoy and relax and enjoy the fruits which she has reaped, which she has earned. That is what the Nine of Pentacles is signifying here. So it represents self radiation, abundance and creativity through self discipline. So jab bhi aapki reading mein ye card aata hai, Nine of Pentacles, that simply means it's a beautiful time for you. All you need to do is just sit back, relax and enjoy what is being given to you. In terms of love and relationship, it can means, you know, that your relationship is getting deeper and comfortable. And also it can also mean there is a news of a child which could be coming very soon, because the signs of pregnancy are also shown in this card. And when it comes to business, since it's a card of pentacles, it basically shows the growth, it shows that the coming of money, that the expansion of money is shown. So all the positive aspect of all the positive aspects are shown in this card of Nine of Pentacles. The elements, so somewhere all the mix of everything is there. Or hum dekhte hain ki like she stands in a rich garden with grapes and all. And also there is her house which is shown in her back. Wo ghar jo hai wo yehi signify karta hai. She is from a well-to-do family. Or she has earned her house, she has earned her position made, and she has made herself a house which she always wanted to. So this is what the Nine of Pentacles stands for. I hope you enjoyed the reading and I will see you in my next one. Till then, goodbye. Thank you so much for watching. Namaste.